हेलो टीचर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टपुर ऑफिशियल में। बहुत सारे टीचर बोलते हैं सर हम कौन सा कैमरा यूज करें ऑनलाइन टीचिंग के लिए। बहुत सारे कैमरे होते हैं, मोबाइल का कैमरा भी होता है, DSLR का कैमरा होता है, 4K वीडियो कैमरा का होता है, PTZ कैमरा का होता है। तो हमारे लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है 2023 में, ठीक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, बेस्ट कैमरा फॉर ऑनलाइन टीचिंग 2023। इसमें बेस्ट कैमरा क्या DSLR है, वीडियो कैमरा है, या PTZ कैमरा है, या मोबाइल वाला कैमरा है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं नंबर बाय नंबर, ठीक है। ओके, सबसे पहले लेंगे हम DSLR कैमरे को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वालिटी जो मानी जाती है वो DSLR कैमरे में मानी जाती है, क्योंकि DSLR कैमरा हर जगह सक्सेस नहीं है, ठीक है। कैसे सक्सेस नहीं है मैं आपको बताऊंगा। DSLR कैमरा जो है टीचिंग की जो वीडियो बनती है मिनिमम 45 मिनट की बनती है, इसको ही बोलते हैं 1 घंटा, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा लाइव क्लास भी चलती है, 8-8 घंटे की मैराथन, 12-12 घंटे की मैराथन, 24-24 घंटे की मैराथन चलती है, ठीक है। और जो इससे जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो किस टाइप की होती है, इससे जो वीडियो रिकॉर्ड होगी वो होगी मैक्सिमम 30 मिनट की, उससे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट ये चार्ज नहीं होती, इसलिए ये आपका कैनन का DSLR सक्सेस नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको कनेक्ट करना है यानी कि शॉर्ट काम है आपका, जैसे आधा घंटे से कम की वीडियो बनानी है, तो इसको सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, कैप्चर कार्ड के थ्रू, कैप्चर, ठीक है, कैप्चर। करीबन जो कैप्चर कार्ड आता है वो आता है 15K से लेकर 20K के बीच में, जो बेस्ट क्वालिटी देता है। आने को तो 500 रुपये का भी आता है, पर आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे HDMI कनेक्ट होगी, HDMI में कैप्चर कार्ड लगेगा। कैप्चर कार्ड किस में लगेगा, आपके सिस्टम में USB पोर्ट में, जिससे आप OBS से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं वीडियो कैमरा पर। अब वीडियो कैमरा की बारी आती है, क्या ये टीचिंग के लिए सक्सेस है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि इससे चाहे आप 1 घंटे की क्लास लो, चाहे आप 10 घंटे की क्लास लो, कोई फर्क नहीं है। इसमें भी कैप्चर कार्ड लगेगा, सेम DSLR जैसे ही कनेक्ट होगा, ठीक है, HDMI केबल के द्वारा। इसके लिए भी आपको कैप्चर कार्ड लेना पड़ेगा 15 से 20 हज़ार रुपये का, अच्छी क्वालिटी का। एलगाटो का भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कंट्रोल, इसके लिए आपको जितनी भी वीडियो कैमरा है इनके लिए टेक्निकल बंदा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उससे क्या होगा, वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि पर डे आप क्लास लेंगे तो पर डे आपको सेटअप करना पड़ेगा, जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, ये कैमरा जो पैनल का जो साइड का हिस्सा ये भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मोबाइल के कैमरे की तरफ। मोबाइल का कैमरा स्टार्टिंग के लिए ठीक रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल ठीक रहता है। अगर आपका बजट नहीं है, आप वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं चैनल खोल के, तो इस कैमरे से भी कर सकते हैं। मान के चलो कुछ दिन बाद आप थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं वीडियो कैमरा में या PTZ में, ठीक है। ओके, अब चलते हैं लास्ट में PTZ कैमरा, जो सबसे ज्यादा प्रचलित इस समय चल रहा है, ठीक है।
इसमें दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है फुल एचडी, फुल एचडी, दूसरा आता है 4K, 4K कैमरा। ठीक है, दो टाइप के कैमरे आते हैं पीटीजेड। ओके, और इसमें एक रिमोट मिलता है, रिमोट, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको रिमोट, देखिए जेरा रिमोट। ठीक है, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं करके दिखा देता हूं, देखो हो गया। ठीक है, अब मैं केवल 1 प्रेस करूंगा और ये अपने आप सेट हो गया। ठीक है, 1 प्रेस किया मैंने, देखो ये मैंने अभी सेट नहीं किया है, सेट करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, और इसको मैं प्री सेट कर देता हूं 1 पे। ओके, जैसे ही मैं जूम इन करूंगा यहां से और 1 प्रेस करूंगा यहां से, ये अपने आकार में ऑटोमेटिक ले लेगा। यही पीटीजेड का सबसे ज्यादा फायदा है। जैसे लेफ्ट राइट में करना है आपको, लेफ्ट राइट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस माइक में फैन भी चल रहा है। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ, फैन चल रहा है, बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, देखो फैन चल रहा है, दबा के बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब मैं 1 प्रेस करूंगा, अपने मोड में ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया अपने मोड में, यही फायदा इसका पीटीजेड कैमरे का, ये इसका रिमोट रहता है। ठीक है, रिमोट देखिए। ओके, ये करीबन पड़ता है 95K के आसपास, जिसकी MRP कितना पड़ता है 95K के आसपास। ठीक है, 5 ईयर वारंटी के साथ। ओके, और जितने भी 4K वीडियो कैमरा आते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, क्योंकि उसमें 20,000 रुपये का कैप्चर कार्ड बढ़ जाता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना टेक्निकल बंदा है आपके पास तो वीडियो कैमरा लें। ठीक है, अगर आप खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं सारा कुछ केवल रिमोट से, तो आप पीटीजेड कैमरा लें। पीटीजेड भी बहुत सारी कंपनियां के आते हैं, मैक्सअप का भी आता है, मैक्सअप बेंचमार्क भी आता है, बेंचमार्क भी आता है, और आपका एबोटा भी आता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां को आपका पीटीजेड कैमरा मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बताएं आप कौन सा कैमरा यूज करें कमेंट में। ठीक है, और कैमरों की क्वालिटी कैसी है, आप कौन सा वीडियो कैमरा यूज कर रहे हैं, पीटीजेड कैमरा यूज कर रहे हैं या मोबाइल का कैमरा यूज कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ओके, आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, थैंक यू।